Assalamu alaikum everyone, hope everyone is doing great. Today I am here to uh, give you some details related to the degree equivalent certificate for the Pakistani students. Either they have done their studies from Pakistan or they have done their studies. outside from Pakistan abroad. So I think uh, I will make this video in Urdu language because it's only related to Pakistani students. So आज इस वीडियो में जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको प्रोसेस बताऊँ कि एच ई सी से आप लोग अपना डिग्री सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं एक्चुअली रिसेंटली मैंने अपने मास्टर्स डिग्री की इक्वलेंस ली है जो मैंने फॉरेन कंट्री से किया हुआ था मास्टर्स तो उसकी इक्वलेंस सर्टिफिकेट आज मुझे रिसीव हुआ है तो मैंने सोचा कि आ, बाकी लोगों को भी इंफॉर्म कर दूं और प्रोसीजर बता दूं कि आप कैसे इक्वलेंस सर्टिफिकेट अपना ले सकते हैं चाहे आपने पाकिस्तान के अंदर से आपकी आपने डिग्री की हो या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान सो so, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप जो हैं एच ई के वेबसाइट पे जाएंगे राइट और एच ई के वेबसाइट पे मेन पेज पे आपके पास ये ऑप्शन होगा आई एम स्टूडेंट उसके अंदर आपका इक्वलेंस डिग्री इशुंस ये ऑप्शन है राइट इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा इशुंस ऑफ डिग्री इक्वलेंस सर्टिफिकेट अब इसके अंदर इन लोगों ने एक ये नोटिफिकेशन पब्लिक अलर्ट जारी किया हुआ कि Because of 19 आपको टी सी एस के थ्रू ही करना पड़ेगा राइट right? सो so, तो इसके लिए अभी सबसे पहला चीज ये है कि आप जैसे मैं अपना एग्जाम्पल आपको दू कि मैंने फॉरन से अपनी मास्टर्स की डिग्री की हुई है तो मुझे उसकी इक्विलेंस चाहिए थी अब इधर आप राइट right साइड पे देखें तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं वो आप आपसे आपके उससे जो भी रेलिवेंसी है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे लाइक like, अगर आप लोकल किसी डिग्री की इक्विलेंसी चाह रहे हैं दीनी मदरसा वगैरह के असनाद हैं उनकी इक्वलेंसी चाह रहे हैं या फॉरन इक्वलेंसी तो मेरे केस में फॉरन इक्वलेंसी था तो मैं फॉरन इक्वलेंसी पर जब क्लिक करता हूँ तो ये पेज मेरे पास आएगा राइट right? तो इस पेज के ऊपर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन है सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है ऑन दिस वेबसाइट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट तो इस पर जब क्लिक करेंगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा इसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपने फिल करना है एंड देन दिज आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू अटैच विद योर एप्लीकेशन फॉर्म वाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन टू दी सी ऑफिस थ्रू टी सी एस तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं

अगर आपने ऑलरेडी एच ई सी की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है देन यू यू विल साइन साइन इन इफ आर न्यू फिर आप अप करेंगे दिस इज योर फर्स्ट स्टेप राइट आफ्टर डूइंग साइन इन और साइन अप द स्टेप इज दैट यू नीड टू कंप्लीट योर एजुकेशनल डिटेल्स आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स सारी कंप्लीट करेंगे उसके अंदर आपको जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ जी मेरा जो अपलिकेशन फॉर्म था जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स फिल करेंगे तो इस तरह आपके पास एजुकेशन की डिटेल्स आएंगे वेबसाइट के ऊपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट बैचलर्स डिग्री एंड देन मास्टर्स डिग्री ये सारे डिटेल्स आप फिल कर लेंगे राइट सेकेंड स्टेप में कंप्लीट योर एजुकेशनल डिटेल्स प्लीज इंटर योर एजुकेशनल डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स

तो इसमें आप जब अकाउंट में डिटेल्स फुट करेंगे एजुकेशन के यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आप इस डिग्री को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके सेलेक्शन के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप होगा प्रिंट एप्लीकेशन प्लीज प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ये सारी चीजें फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे यू विल गेट एन एप्लीकेशन लाइक दिस उसके ऊपर टॉप में इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर राइट मेरा जो था वन जीरो डबल एट सिक्स सेवन था तो उसके साथ साथ आपका उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका फीस चालान भी होगा उसके अंदर आपकी एच ई कॉपी होगी एक एप्लीकेंट कॉपी होगी एक आपका एच अकाउंट कॉपी होगा बैंक कॉपी होगा तो इसका जो फी है फाइव थाउडेंड फाइव थाउजेंड पाकिस्तानी रुपीज आपकी इसकी फी होगी तो उसके साथ साथ फर्दर जो डिटेल्स आपने फिल की हुई उन सब का फॉर्म कर रहा था जिस पे मैंने क्लिक किया वो ऊपर आया हुआ है तो इसकी भी उसमें आपसे डिटेल मांगेंगे जैसे मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस के लिए अप्लाई किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग गोंग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया उसमें आपसे पूछेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना था इन मंथ्स

होता है एम फिल के तो वो सेलेक्ट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्कूलिंग एटीन ईयर तो ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रिंट आउट होंगी तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये है कि आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जिसमें सबसे फर्स्ट पेज पे आपका बैंक चालान होगा ठीक हो गया तो उसके साथ आपने अटैच करना है कॉपी ऑफ डिग्री जिसकी आपको चाहिए उसकी डिग्री अटैच करनी है अगर वो डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आप उसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी और एम्बेसी से करवाएंगे या उस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने आपकी डिग्री है या फिर नमल से ठीक हो गया आई गेस नमल इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज तो ये आपका पहला डॉक्यूमेंट होगा जो आपने तैयार करना है सेकंड ट्रांसक्रिप्ट आपने अटैच करनी है आपकी डिग्री के साथ जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपने अटैच करनी है एंड थर्ड इज कॉपी ऑफ पासपोर्ट और कॉपी ऑफ पासपोर्ट के साथ आपने पासपोर्ट की वो पेजेस लाजमी लगानी है जिसके ऊपर आपका वीज़ा इंट्री है एंट्री और एग्जिट का जिसके ऊपर आपका लिखा हुआ है जिस भी कंट्री में आप गए हैं क्योंकि वो आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी शो करेगा फोर्थ इज सी एन आई सी की आपने कॉपी लगानी है एंड द फिफ्थ वन इज फी चालान जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फर्स्ट पेज पे आया हुआ फाइव थाउजेंड का वो आपने साथ अटैच करनी है उसमें फीस चालान में जाहिर सी बात है चार कॉपियां हैं तो एच ई सी इक्वलेंस कॉपी आप साथ लगाएंगे अप्लीकेट कॉपी आप अपने पास रखेंगे एच ई सी इक्विलेंस कॉपी और एच ई सी अकाउंट कॉपी ये दोनों आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और ये बैंक कॉपी जिस बैंक में आप जमा करेंगे जिस बैंक में भी नहीं लेकिन इन लोगों ने एच बी एल का ही ऑप्शन दिया हुआ हबीब बैंक का तो हबीब बैंक के बैंक में आप जमा करेंगे तो ये कॉपी बैंक के पास रहेगी कॉपी आपके पास और ये दोनों कॉपियां आप अप्लीकेशन के साथ अटैच कर लेंगे और तो ये पॉइंट्स हो गए नंबर में थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे बंदा ना इसमें ये इसमें आपने करना होता है कि आपने ड्यूली नोटराइज एफिडेविट लगाना है बीस रुपए का या उससे अब एटलीस्ट ट्वेंटी नोट लेस दे पेपर कहते हैं एफिडेविट आपने लगाना है इसका जो फॉर्मेट है आपको एच ई सी की वेबसाइट पर जिस तरह आप यहाँ पे जब जाते हैं तो सेवन पॉइंट में आपके पास लिखा हुआ एफिडेविट एफिडेविट इसमें दो टाइप के है एक एफिडेविट फेस टू फेस क्लास एफिडेविट फॉर ऑनलाइन डिग्री अब आपने जो डिग्री की हुई है वो अगर आपने ऑनलाइन कंप्लीट की है ऑनलाइन आपकी डिग्री थी तो उसमें आप एफिडेविट जो बीस रुपए का या बीस से ऊपर की किसी अमाउंट का बनाना है वो ये वाली फॉर्म को डाउनलोड करके उसे फिडेविट के ऊपर प्रिंट करवा के अटैच करोगे नहीं अगर आपने क्लासेस फेस टू फेस ली हैं फिजिकली ली हैं तो आप ये फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है इसको डाउनलोड कर लें और इसको 20 रुपए के या 20 से ज़्यादा रुपयों के एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करवा के उसको उसकी न्यूट्री करवानी है पब्लिक न्यूट्री तो आई गेस पाकिस्तान के अंदर जैसे स्टम्प पेपर के फरोश जिनको बोलते हैं वो सारे सिटीज में अवेलेबल होते हैं आप किसी के पास भी जाए वो बीस रुपया उससे ज्यादा के पेपर पे वो आपको प्रिंट करके देगा और, और न्यूट्री का स्टम्प भी लगा के देगा राइट तो ये थी आपका स्टेप डॉक्यूमेंट नंबर सिक्स जो आपने रेडी करना जब ये सारा आपका रेडी हो जाएगा तो इसमें नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है एप्लीकेशन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपने इसको याद रखना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपने क्या करना है इनका बना के, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी नहीं आपने सब के, right? आप courier, TCS कर दें या कोई और सर्विस आप यूज कर लें जो भी आपको फिजिबल हो तो आपने इस एड्रेस पे भेजना है for an, for an

जेनुइननेस चेक करना चाहती है तो उसके लिए उन लोगों ने यह सिस्टम रखा हुआ है कि उसमें आपने ये करना है सेवन स्टेप में आपने अपने यूनिवर्सिटी को मेल करना है आप जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने अपनी डिग्री की है उनका जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होगा उन पे मेल करना है उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है उनको ये बोलना है कि, ए, कि वो जो है एच को एक मेल करें राइट डायरेक्टली एच इसी को एक मेल करें या फिक्स करें उन लोगों ने फिक्स नंबर भी दिया हुआ एच इसी ने अपना और ई मेल एड्रेस भी दिया हुआ या तो ई मेल करें या फिर फिक्स करें और उसमें उन लोगों ने यूनिवर्सिटी वालों ने यह लिखना है कि एप्लीकेशन नंबर उन लोगों ने यह लाजमी लिखना है लोगों को बताना है कि एप्लीकेशन नंबर मेंशन करें वो लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल जो एप्लीकेंट है उसका नाम अगर अमजद है मजेद अली नाम है तो वो ये लिखेंगे कि अमजेद अली हमारे यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है इस इस ईयर में इसने ये डिग्री की है और उसने एच सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और उसका नंबर ये है राइट वो करके वो एच को मेल करेंगे या फिर फिक्स करेंगे और वो एच को रिसीव हो जाएगा जब वो उनको मेल रिसीव होगा तो जाहिर सी बात अपन नंबर देखेंगे एच की, की हमारे कौन से एप्लीकेंट का और किस यूनिवर्सिटी से मेला फिर वो उनको क्रॉस चेक कर लेंगे आपकी डिग्री आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजी उनको और उनको और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेल या फेस उसको कंपेयर करके दोनों अगर मैच कर रहे हैं सारे डिटेल्स देन आपकी डिग्री की जेनवननेस वेरीफाई हो जाएगी और एच वाले आपको साथ साथ मेल भी करते रहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं देन सेकंड मेल वो करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड हो गए हैं वेरिफिकेशन के लिए फिर एक वो मेल ये भी करते हैं कि आप ये जो सेवन पॉइंट है ये करने के लिए वो फोर्टी फाइव डेज देते हैं कि आप पैंतालीस दिन के अंदर अंदर अपने यूनिवर्सिटी से ये करवा लें लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सजेशन है कि आप टी सी एस यहाँ से भेज देंगे जब वहाँ से

क्योंकि मैंने इक्विलेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है और ये एच की रिक्वायरमेंट है यू कैन अटैच दिस पॉइंट नंबर सेवन आप सेवन पॉइंट अटैच करके भी उनको मेल में बता सकते हैं कि यह मेरी रिक्वायरमेंट है तो वहां से आपके यूनिवर्सिटी वाले उनको मेल कर देंगे जब वो मेल रिसीव करेंगे वो क्रॉस चेक करके जेन्यनस आपके डॉक्यूमेंट्स के चेक करके फिर आपको एक एच वाले मेल करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड हो गई हैं और आपके जो कंसर्न यूनिवर्सिटी से वहाँ से वेरिफिकेशन भी हो गई है तो उसके बाद आईगे चार से पाँच दिन लगते हैं और आपने जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है उसके ऊपर आपको आपकी इक्विलेंस सर्टिफिकेट वो सेंड कर देते हैं थ्रू कोरियर हार्ड फॉर्म में राइट right? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप एड्रेस जब लिखेंगे तो ऐसा एड्रेस लिखें जिसके ऊपर आप अपना जो है कॉरियर रिसीव कर सकें राइट right? तो इसमें ऐसा कोई एड्रेस ना लिखें कि जिसके ऊपर आपका कोरियर प्रॉपर तरीके से ना पहुंचे तो आपने एड्रेस जेनवन और प्रॉपर एड्रेस लिखना है सो आई थिंक दैट्स इट ये चीजें थी आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें तो आप इजीली जो है आप अपनी डिग्री की इक्विवेलेंसी ले सकते हैं तो इसमें और अगर कोई इशू है अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें या फिर आ, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ई मेल एड्रेस मैंशन करूँगा आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर साथ में अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंशन कर लूँगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू आर फेसिंग एन इशू इशूल अप्लाइंग फॉर यूर थैंक यू सो मच गाइज ऑप This video will help you guys. Thank you. Goodbye.